हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, आज मैं आपको कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ा जिले के सिद्धापुरा तालुक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस दिखाने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको उनचल्ली फॉल्स या फिर लुशिंगटन फॉल्स दिखाने के लिए आया हूँ। चलिए हम अब इस फॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर अब तेज़ बारिश का सीज़न चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोड पर बहुत सारे पत्ते यहाँ पर गिरे हुए हैं। हम यहाँ पर अभी सुबह सुबह आ चुके हैं, नहीं तो यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। लगभग 10-12 बजे के करीब तो यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ आ जाते हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आप यहाँ पर एक शॉप भी देख सकते हैं, हालांकि वो शॉप तो कभी कभार ही ओपन होता है। अगर ओपन होगा तो भी 10 बजे के बाद ही ओपन होता है। आपको इस एंट्रेंस से लगभग आधा किलोमीटर ट्रैवल करके जाने पर उनचल्ली वाटरफॉल्स मिल जाता है। देखिए, अब हम अंदर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर हर तरफ घना जंगल ही दिखाई देगा। बारिश के सीज़न होने के कारण यहाँ पर आपको लीचस का खतरा भी हमेशा रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के पैर रखना होगा। अगर आप लोग यहाँ पर सुबह जल्दी आते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली सुअर और जंगली भैंसे घूमते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग कभी भी इस जंगल में इधर उधर मत भटकिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अजीब अजीब किस्म के कीड़े मकोड़े रहते हैं, जैसे कि मकड़ी हो गया या फिर किंग कोबरास हो गए, यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, इसलिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। हालांकि आपको यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते इधर उधर दिख जाएंगे, लेकिन वो सब रास्ते इंसानों के बनाए हुए रास्ते नहीं होते हैं, वो सब जानवरों के चलते हुए बने रास्ते होते हैं, इसलिए आप लोग उन रास्तों में मत जाइएगा। देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं सीढ़ियों पर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत फिसलते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा साइड से जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप लोग इस वाटरफॉल के नज़दीक में पहुँचते जाते हैं तो आपको इंसानों के बनाए हुए बहुत सारे पगडंडियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपको लगेगा कि ये जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं तो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं इस वाटरफॉल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने के लिए इस तरह के छोटे छोटे पगडंडियों को बना लेते हैं, और वो सभी मौत के रास्ते होते हैं। अगर आप लोग वहाँ तक जाके देखेंगे तो आप लोग फिसल भी सकते हैं। देखिए, हमारे सामने जो एक पगडंडी दिख रही है, ये भी वैसे ही एक पगडंडी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जाके अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वाटरफॉल को विजिट करने का बेस्ट टाइम है जून से लेकर दिसंबर तक। हालांकि आप लोग कभी भी आ सकते हैं, पानी तो यहाँ पर हमेशा रहता है, क्योंकि इस अघनाशिनी रिवर को यहाँ पर कोई भी डैम नहीं बनाया गया है। ये जो वाटरफॉल है अघनाशिनी रिवर से बना हुआ वाटरफॉल है। अगर आप लोग इस वाटरफॉल तक आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर और भी कई सारे प्लेसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वाटेहल्ला फॉल्स हो गया या फिर भीमना गुड्डा हो गया। वो सभी प्लेसेस यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाते हैं। वाटेहल्ला फॉल्स भी एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है और भीमना गुड्डा भी एक बहुत अच्छा सनसेट व्यू पॉइंट है। देखिए, अब हम इस उनचल्ली वाटरफॉल तक पहुँच चुके हैं। इसको लुशिंगटन वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर बैठने के लिए भी सुविधा है, हालांकि बारिश के सीज़न में यहाँ पर कोई बैठता नहीं है, सिर्फ लोग देख के ही चले जाते हैं। कुछ साल पहले तक तो हम यहाँ पर भी व्हीकल्स लेके आ सकते थे। देखिए दोस्तों, ये इस उनचल्ली वाटरफॉल का पहला व्यू पॉइंट है। हालांकि अब बारिश के सीज़न में तो पूरा वाटरफॉल्स तो कभी नहीं दिखेगा, लेकिन हम इस वाटरफॉल को आधा देख सकते हैं। लेकिन आप लोग बारिश ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आते हैं तो आप लोग पूरा वाटरफॉल को इस व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। इसके नीचे 3 व्यू पॉइंट्स हैं, मैं जाके आपको सभी व्यू पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ।
चलिए अब हम इसके नीचे वाले स्टेप में जाके आपको वहाँ से व्यू कैसे दिखता है ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जाते वक्त आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं बारिश के समय में बहुत फिसलते हैं। दोस्तों जैसे ही हम नीचे वाले स्टेप्स के तरफ जाते हैं तो हमें विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लास्ट स्टेप में तो हमें वाटरफॉल दिखता ही नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल में फोर्स में नीचे गिरा हुआ पानी ही वापस ऊपर आके हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। इस वाटरफॉल में चार व्यू पॉइंट्स हैं और लास्ट वाला जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही डेंजरस है। वहाँ पर तो हम लोग छाता खोल के खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से बारिश होती है और हवा भी वैसे ही चारों तरफ से हमें घुमा देती है और हमारा छाता भी उड़ सकता है। मैं आपको वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ, चलिए और भी नीचे चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस वाटरफॉल्स को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो आप लोगों को अपने साथ ही खाना भी लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा शॉप भी नहीं है। और आपसे एक विनती और है कि अगर आप लोग खाने के लिए कुछ यहाँ पर लेके आते हैं तो उसका जो कचरा बचता है आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं फेंकना है। यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन्स बनाए गए हैं, आप लोग खाने के बाद जो भी कचरा बचता है उसको उन डस्टबिन्स में ही डालना पड़ेगा। इस उंचली फॉल्स तक आने से पहले 3 किलोमीटर के पीछे आपको हेगरनी नाम का एक गांव मिलता है, आप लोग वहां से कुछ खरीद के ला सकते हैं। हालांकि वहां पर भी बहुत बड़े बड़े शॉप तो नहीं हैं, बड़े बड़े होटल्स भी नहीं हैं, फिर भी कुछ खाने के लिए तो मिल ही जाते हैं। आपको वहां से कुछ ना कुछ यहां पर लाना पड़ेगा। अब देखिए हम और एक व्यू पॉइंट तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें नज़ारे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इससे भी नीचे चलते हैं और आपको हम वहाँ से ये वाटरफॉल्स कैसे दिखता है थोड़ा दिखा देते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, अब मैं कुछ भी बोलो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नीचे पानी का शोर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश भी हो रही है और साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। इसीलिए अगर मैं वहाँ पर जाके आपसे कुछ बात करूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ से चुप हो जाता हूँ। आप बस इस नेचुरल साउंड को सुनिएगा और उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप लोग इस पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा।